मिहिर की बात सुनते ही मायरा और प्रखर ने हामी भर दी। काव्या भी एक्साइटेड हो गई। ईशान एज यूजुअल अनइंटरेस्टेड था, लेकिन उसने भी बेमन से हामी भर दी। अब सब मुक्ता के जवाब का इंतजार करने लगे। मिहिर ने अपनी गर्लफ्रेंड से सवाल करते हुए कहा, बेबी तुम क्या कहती हो? जैसे ही मुक्ता ने देखा कि मिहिर उससे सवाल कर रहा था, वो हेजिटेट करने लगी। मुक्ता ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, अब मैं मिहिर को क्या जवाब दूं? ऐसा नहीं है कि मैं सबके साथ घूमने के लिए जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं घर पर क्या कहूंगी? भाई और दादी जी तो मुझे लड़कियों के साथ भी घूमने जाने की परमिशन नहीं देते। अगर उन्हें पता चल गया कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों ने भी मुझे 4-5 दिन की ट्रिप के लिए बुलाया है, तो वो इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। जब मुक्ता ये सोचने में बिजी थी कि वो घर पर क्या कहेगी और उनसे परमिशन कैसे लेगी, मिहिर और बाकी सब उसका जवाब जानने के लिए क्यूरियस हो रहे थे। मुक्ता की उलझन उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। काव्या ने मुक्ता के चेहरे के सामने अपना हाथ वेव किया और उससे सवाल करने लगी, मुक्ता क्या सोच रही हो? बताओ ना, तुम भी हमारे साथ वेकेशन पर आ रही हो ना? काव्या के इस सवाल को सुनकर मुक्ता अपने सेंसेस में वापस लौटी। काव्या के सवाल पर रिएक्ट करते हुए प्रखर ने कहा, मिस ब्यूटी अब ये मत कहना कि तुम अभी भी पढ़ाई के बारे में सोच रही हो। हमारा एग्जाम और सेमेस्टर खत्म हो गया है, तो तुम्हें स्टडीज का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ये बात कहते हुए प्रखर मुक्ता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि मुक्ता उन दोनों की बात पर कुछ कह पाती, मिहिर ने उसकी तरफ बहुत ही अलग तरह से देखा। मिहिर ने मुक्ता से कहा, बेबी अगर तुम मना कर रही हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बिना मुझे वहाँ कोई मजा नहीं आएगा, सो तुम नहीं तो मैं भी नहीं। मिहिर के इस सेंटेंस को सुनकर सबका चेहरा उतर गया था, क्योंकि अगर मुक्ता के ना आने से मिहिर भी नहीं आने वाला था, तो प्रखर और काव्या को मायरा के साथ घूमने का तो बिल्कुल मन नहीं था। जब मुक्ता ने सबके ऐसे उतरे हुए चेहरे देखे, उसे बहुत बुरा लगने लगा। ये सब अभी बहुत एक्साइटेड लग रहे थे, और मिहिर का ना आने का सुनकर इन सब की एक्साइटमेंट कहीं गायब हो गई है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन घर पर क्या कहूंगी? एक और झूठ? नहीं यार, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। सबके साथ घूमने के लिए जाने के लिए मुक्ता ने कुछ देर तक दिल ही दिल में कुछ सोचा। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद मुक्ता ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, मैं आना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब जब तुम्हारा और तुम्हारी वजह से सबका मूड खराब हो रहा है, तो मैं आ जाती हूँ। मुक्ता ने अपनी ये बात बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में कही थी। जैसे ही सबको उसकी बात के पीछे का मतलब समझ में आ गया, वो खुश हो गए। मिहिर ने जब सुना कि मुक्ता भी उन सबके साथ वेकेशंस पर आ रही है, तो उसके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट भरी स्माइल आ गई। उसने मुक्ता का हाथ पकड़ लिया और सबसे बोला, देन इट इज डिसाइडेड, हम घूमने जा रहे हैं। नो, हम सब साथ में घूमने जा रहे हैं। मिहिर की कही ये बात सुनकर काव्या, प्रखर और मायरा एक्साइटेड हो गए। सबने डिसाइड किया कि 1 घंटे के बाद कैंटीन में मिलकर सब कुछ डिसाइड करना है। मायरा और ईशान लाइब्रेरी में चले गए। मिहिर और प्रखर इस सेमेस्टर की आखिरी बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए निकल गए, और काव्या को भी किसी प्रोफेसर से कुछ काम था, तो वो भी जाने लगी। जब मुक्ता ने देखा कि अब कुछ देर के लिए वो अकेली थी, तो क्यों ना वो इस बारे में सोच ले कि इस ट्रिप के बारे में घर पर कैसे बताना है। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, इस बार कौन सा बहाना बनाऊं? एक तो मैं हर दिन एक के बाद एक इतने सारे झूठ बोलती हूँ कि अब तो मुझे आइडियाज आने भी बंद हो गए हैं। मुक्ता ने अपने सर पर चपट मारते हुए खुद से ही कहा। जब मुक्ता किसी आइडिया के खोज में थी, उसने देखा कि आगे के कॉरिडोर से जानवी जा रही थी। मुक्ता ने सोचा कि क्यों ना जानवी से ही इस बारे में मदद ले ली जाए, इसलिए उसने जानवी का नाम पुकारते हुए कहा, जानवी। जानी पहचानी सी आवाज सुनकर जानवी के कदम जहां थे वहीं रुक गए। जानवी ने इधर उधर देखा
तो उसे मुक्ता दिखाई दी। जानवी ने मुक्ता को हाई किया और मुक्ता की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो मुक्ता के पास पहुंची, मुक्ता ने जानवी से मदद मांगते हुए कहा, जानवी मैं बुरी फंस गई हूँ यार, और तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मुक्ता की ये बात सुनकर जानवी उसके लिए परेशान हो गई। उसने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगी, आफ्टर ऑल हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुम ऐसी किस मुसीबत में फंस गई हो, कुछ बहुत सीरियस हुआ है क्या? मुक्ता ने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ किसी खाली क्लासरूम में ले गई। जब मुक्ता ने इस बात की तसल्ली कर ली कि वहां उसके और जानवी के अलावा और कोई भी नहीं था, तो मुक्ता ने जानवी को पूरी सिचुएशन बता दी। जानवी ने कुछ सोचा और फिर मुक्ता से सवाल करते हुए बोली, मुक्ता तुम कॉलेज के अलावा घर से बाहर कहाँ कहाँ जाती हो, मतलब रेगुलरली, ऐसी कोई जगह या कोई ट्यूशन वगैरह कुछ? कुछ याद करते हुए मुक्ता ने जानवी के सवाल का जवाब दिया, कॉलेज और घर के अलावा तो मैं बस अपनी जॉब पर जाती हूँ, वो भी कभी कभी, रोज नहीं, बट उससे क्या सोल्यूशन मिलेगा? पर मुक्ता की बात सुनकर जानवी को एक रास्ता मिल गया था। उसने मुक्ता के सवाल को इग्नोर किया और उससे एक और सवाल करते हुए बोली, और तुम कहाँ जॉब करती हो? मुक्ता को जानवी के ये सारे सवाल बहुत ही अजीब लग रहे थे, लेकिन उसने ज्यादा सोचे बिना ही जानवी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं एक टूरिस्ट कंपनी में टूर गाइड की जॉब करती हूँ, लेकिन इस सब का मेरी प्रॉब्लम से क्या लेना देना है? जानवी ने अपनी आंखें मटकाते हुए मुक्ता को समझाया, इन सारी बातों का ही तो तुम्हारी इस सीरियस प्रॉब्लम से करीबी कनेक्शन है। मुक्ता अभी भी जानवी के बात के पीछे का मतलब नहीं समझ पाई थी, पर जैसे जैसे जानवी ने अपनी पूरी बात कही, मुक्ता ने तारीफ करने के लहजे में उससे कहा, तुम कमाल की हो, इस सॉल्यूशन से तो मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि तय हुआ था, सभी एक घंटे के बाद कैंटीन में मिले। मुक्ता जानवी को भी अपने साथ ले आई थी। पहले तो जानवी कॉलेज के सबसे पॉपुलर फ्रेंड्स ग्रुप में आने के लिए नर्वस हो रही थी। उसे इस बात का डर था कि उसके कॉलेज में एक अगली लड़की की कॉमन सी इमेज और उसके लुक्स की वजह से मिहिर के दोस्त उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन बास्केटबॉल मैच के फाइनल्स में जाने के बाद की पार्टी के बाद से वो सब जानवी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने जानवी को बिल्कुल भी आउटसाइडर जैसा महसूस नहीं होने दिया। मुक्ता ने मिहिर से सवाल करते हुए कहा, क्या जानवी भी हमारे साथ आ सकती है? मुक्ता के इस सवाल से किसी के भी चेहरे पर डिसएग्री होने का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। प्रखर ने सबकी तरफ से इस बात पर हामी भरते हुए कहा, मिस ब्यूटी तुम्हारी फ्रेंड मतलब हमारी फ्रेंड, तो वो हम सबके साथ क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी। प्रखर का ये जवाब सुनकर मुक्ता और जानवी मुस्कुराने लगे। मायरा ने फिर कहा, अब हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं, हम सब वेकेशंस के लिए कहाँ जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं? इस सवाल से तो सभी गहरी सोच में पड़ गए। हर किसी के दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मिहिर ने अपना आइडिया देते हुए कहा, क्यों ना हम सब दिल्ली चले, पास भी है और वहाँ देखने जैसी कई सारी जगहें भी है। मिहिर के इस आइडिया पर प्रखर ने कहा, हाँ भाई ये अच्छा आइडिया है, अगर हम सब दिल्ली जाते हैं तो वो पास में ही होने की वजह से मैं डैड से जीप ले जाने की परमिशन मांग सकता हूँ, जीप में हम 7 लोग आराम से आ जाएंगे। मिहिर और प्रखर की बातों को सुनकर बाकी सब भी इंटरेस्टेड लगने लगे। मायरा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अगर हम सब दिल्ली फाइनल कर रहे हैं तो रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिल्ली में मेरे अंकल का होटल भी है, तो हमें रहने और खाने का ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं आएगा, और पेरेंट्स को भी इस बात की फिक्र नहीं रहेगी कि हम सब कहाँ और कैसे रह रहे हैं। मायरा की बात से अब सभी अग्री करने लगे। मुक्ता और जानवी ने भी हामी भर दी। ईशान और काव्या भी इस प्लान से सहमत लग रहे थे। अब जबकि सारा प्लानिंग हो गया था,
तो मिहिर ने कॉन्फर्मेशन देते हुए कहा, तो फिर तय रहा, हम सब कल सुबह 8 बजे मेरे घर के बाहर मिलते हैं। प्रखर की जीप में हम सब दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। मिहिर की कही इस बात पर सबने एक्साइटमेंट में हाँ कहा और अपने अपने घर के लिए निकल गए। जाते वक्त जानवी ने मुक्ता के कानों में धीमी आवाज में कहा, मुक्ता, हम दोनों ने मिलकर जो डिसाइड किया है वैसे ही करना। ध्यान रखना कि कोई बात पीछे ना छूट जाए। अपनी बात कहते हुए जानवी मुक्ता के लिए कंसर्न लग रही थी। मुक्ता ने उसकी बात सुनने के बाद उसे परेशान ना होने के लिए कहा और अपने घर के लिए निकल गई। मुक्ता ने ऑटो को रोका और अपने घर का पता बताते हुए अंदर बैठ गई। ऑटो में बैठने के बाद मुक्ता ने किसी को कॉल लगाते हुए कहा, हेलो, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? थोड़ी देर में मुक्ता अपने घर पहुंच गई। जैसे ही रेनू ने अपनी प्यारी मुक्कू को देखा, उसने पूछा, मुक्कू, तेरा एग्जाम कैसा गया? सब अच्छे से तो हो गया ना? अपनी माँ के चेहरे पर आई फिक्र को देखकर मुक्ता के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने रेनू के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अरे माँ, सब कुछ सही से हो गया और मेरा एग्जाम भी अच्छे से गया। मुक्ता का ये जवाब सुनकर रेनू का परेशानी से घिरा हुआ चेहरा खुश हो गया। रेनू ने मुक्ता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चल, मैंने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है, पनीर की सब्जी और घी के पराठे। जल्दी से हाथ मुंह धो ले और माँ जी और वरुण के साथ खाना खा ले। रेनू की इस बात पर मुक्ता ने हामी भरी और अपने कमरे की तरफ चली गई। फ्रेश होने के बाद मुक्ता आईने में देखते हुए कुछ सोचने लगी। उसने खुद से ही बात करते हुए कहा, मुक्ता, ऑल द बेस्ट। मैं जानती हूँ कि इस बारे में सबसे बात करना थोड़ा मुश्किल होगा और उनकी परमिशन लेना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुमने ये सारी मुश्किलें पार कर ली तो समझ लो कि ये तुम्हारी जिंदगी का अब तक का सबसे एडवेंचरस ट्रिप होगा। तुम पहली बार अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओगी। यस, मुझे ये करना ही होगा। खुद के रिफ्लेक्शन को देखते हुए मुक्ता ने अपने आप का मोराल बूस्ट किया और एक बार अपना अगली मेकअप चेक करने के बाद कमरे के बाहर चली गई। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए मुक्ता ने अपनी माँ रेनू को पुकारते हुए कहा, माँ, यहाँ आओ ना, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट है। मुक्ता की कही ये बात सुनकर रेनू जल्दी से बाहर आ गई। वरुण और दादी जी भी मुक्ता की बात सुनने के लिए क्यूरियस लगने लगे। जब मुक्ता ने देखा कि रेनू किचन से बाहर आ गई थी, उसने एक लंबी सांस ली और सबकी तरफ देखकर बोली, वो दिल्ली में एक सेमिनार है, मेरी स्टडीज और काम के लिए उस सेमिनार को अटेंड करना मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। वो सेमिनार कल से 5 दिन तक चलेगा। मेरी दोस्त जानवी और मैं साथ में जाना चाहते हैं। भाई, माँ, तो क्या मैं कल दिल्ली जा सकती हूँ? मुक्ता ने अपनी सारी बात एक सांस में खत्म की थी। जब सब ने मुक्ता की कही ये बात सुनी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एक दो पल के ऑकवर्ड से सन्नाटे के बाद वरुण ने खामोशी को तोड़ना चाहा। मुक्ता की तरफ देखते हुए वरुण ने उससे सवाल किया, मुक्कू, तू समझ रही है ना कि तू किस बारे में बात कर रही है? अकेले किसी दोस्त के साथ जाना तो दूर की बात है, अब तक तू परिवार के साथ साथ भी आगरा के बाहर नहीं गई है। वरुण की बात पर मुक्ता कुछ कह पाती इससे पहले दादी जी ने अपना ओपिनियन देते हुए कहा, ये सब चोचले मेरी समझ से तो बाहर है, तू पढ़ाई में ही ध्यान देगी तो अच्छा होगा। दिल्ली लगती है उतनी पास नहीं है, बहुत दूर है। दादी जी की कही ये बात सुनकर मुक्ता ने मन ही मन में कहा, दादी जी, मेरे लिए तो दिल्ली बहुत पास है, बस एक फोन कॉल की देरी है। मुक्ता किस फोन कॉल के बारे में सोच रही थी? जब सब मुक्ता के दिल्ली जाने के खिलाफ थे, ऐसी क्या बात थी जिससे मुक्ता कॉन्फिडेंट थी?
क्या मुक्ता को घर से दिल्ली जाने की परमिशन मिल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुक्ता ने जब जाने के लिए परमिशन मांगी, दादी